ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका इस्तकबाल है। ये ट्यूटोरियल ब्लेंडर 2.59 में प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में है। इस स्क्रिप्ट का तर्जमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है। इस ट्यूटोरियल को देखने से हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज विंडो क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो में मटेरियल पैनल क्या है। प्रॉपर्टीज विंडो के मटेरियल पैनल में मुख्तलिफ सेटिंग्स यानी तरतीबात क्या हैं। मैं मानकर चलता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी अनासिर के बारे में जानते हैं। अगर नहीं तो बराए मेहरबानी हमारा गुज़िश्ता ट्यूटोरियल बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लेंडर इंटरफेस देखें। प्रॉपर्टीज विंडो हमारी स्क्रीन के दाएं हिस्से पर वाका है। हम प्रॉपर्टीज विंडो के पहले पैनल्स और सेटिंग्स को गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में पहले ही देख चुके हैं। प्रॉपर्टीज विंडो में अगले पैनल्स को देखते हैं। पहले हमें अच्छे से नजर आने और समझने के लिए आपकी प्रॉपर्टीज विंडो का साइज तब्दील करना चाहिए। प्रॉपर्टीज विंडो के बाएं हिस्से पर बायां क्लिक करें, पकड़ कर रखें और बाएं तरफ ड्रैग करें। अब हम प्रॉपर्टीज विंडो में ऑप्शंस ज्यादा वाज़ह तौर पर देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडो का साइज कैसे तब्दील करें ये सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल हाउ टू चेंज विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर देखें। प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो पर जाएं। प्रॉपर्टीज विंडो के सबसे ऊपरी रो में स्फीयर पर बायां क्लिक करें। ये मटेरियल पैनल है। यहाँ हम फ़ाल ऑब्जेक्ट में एक मटेरियल शामिल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तौर पर क्यूब में एक स्टैंडर्ड मटेरियल जुड़ गया है। ये मटेरियल नीले रंग से नुमाया मटेरियल स्लॉट का हिस्सा है। एक नया मटेरियल स्लॉट शामिल करने के लिए ऊपरी दाएं कोने पर प्लस साइन पर बायां क्लिक करें। एक नया मटेरियल शामिल करने के लिए न्यू पर बायां क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट तौर पर तमाम नए मटेरियल्स बुनियादी सेटिंग्स के साथ जुड़ गए हैं। नए मटेरियल स्लॉट को डिलीट करने के लिए प्लस साइन के नीचे माइनस साइन पर बायां क्लिक करें। हम अपने असली मटेरियल पर वापस आ गए हैं। इसे नया नाम व्हाइट दें। मटेरियल स्लॉट बॉक्स और प्रीव्यू विंडो के दरमियान में आईडी नेम बार में मटेरियल पर बायां क्लिक करें। अपने कीबोर्ड पर व्हाइट लिखें और एंटर दबाएं। मटेरियल और मटेरियल स्लॉट दोनों ही सफेद में बदल गए हैं। हम बगैर नया मटेरियल स्लॉट दाखिल किए एक नया मटेरियल शामिल कर सकते हैं। मटेरियल आईडी नेम बार के दाएं तरफ प्लस साइन पर बायां क्लिक करें। मटेरियल स्लॉट में एक नया मटेरियल जुड़ गया है। इसे नया नाम रेड दें। हम इस मटेरियल का रंग सफेद से लाल में तब्दील करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मटेरियल आईडी नेम बार के नीचे बटन्स के रो पर एक नजर डालें। सरफेस फ़ाल ऑब्जेक्ट के मटेरियल को इसकी सतह के तौर पर रेंडर करता है। ब्लेंडर में ये डिफ़ॉल्ट रेंडर मटेरियल है। वायर मटेरियल को एक वायर्ड मैश में पेश करता है जो ऑब्जेक्ट के पॉलीगन्स के सिर्फ किनारे जाहिर करता है। ये एक कारआमद टूल है जो मॉडलिंग और रेंडरिंग पर वक्त बचाता है। हम ब्लेंडर में मॉडलिंग के मजीद एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में वायर्ड मैश, एजेस और पॉलीगन्स के बारे में तफसील से सीखेंगे। वॉल्यूम मटेरियल को फ़ाल ऑब्जेक्ट के पूरे हजम के तौर पर रेंडर करता है। सरफेस और वायर के लिए मटेरियल सेटिंग्स अलग हैं। हम इनकी सेटिंग्स को तफसील से देखेंगे जब हम आगे के ट्यूटोरियल्स में वॉल्यूम मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। हेलो मटेरियल को फ़ाल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ हेलो पार्टिकल्स के तौर पर रेंडर करता है। फिर से मटेरियल सेटिंग्स बदल गई हैं। आगे के ट्यूटोरियल्स में हेलो मटेरियल इस्तेमाल करते वक्त हम इनकी सेटिंग्स तफसील से देखेंगे। नोट करें कि इनमें से कोई भी ऑप्शन 3D व्यू में जाहिर नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनको सिर्फ रेंडर डिस्प्ले में देख सकते हैं। रेंडर डिस्प्ले के बारे में सीखने के लिए ट्यूटोरियल टाइप्स ऑफ विंडोज प्रॉपर्टीज पार्ट 1 देखें।
सरफेस पर वापस जाएं, हम सरफेस मटेरियल की सेटिंग्स को देखेंगे। नीचे प्रीव्यू विंडो है जो रेंडर्ड मटेरियल का प्रीव्यू दिखाता है। दाएं तरफ मुख्तलिफ प्रीव्यू ऑप्शंस के लिए बटन्स का कॉलम है। प्लेन, स्फेयर, क्यूब, मंकी, हेयर और स्काई। अब आप मटेरियल का रंग सफेद से लाल में बदलते हैं। डिफ्यूज पर जाएं। डिफ्यूज के नीचे व्हाइट बार पर बायां क्लिक करें। एक कलर मेन्यू जाहिर होता है। हम इस मेन्यू में से अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी रंग मुंतखब कर सकते हैं। मैं लाल मुंतखब कर रहा हूँ। बायां क्लिक करें और सफेद डॉट को रंग दायरे के मरकज में पकड़ कर रखें। अपने माउस को दायरे के सुर्ख इलाके की तरफ ड्रैग करें। मटेरियल पैनल में 3D व्यू और प्रीव्यू विंडो में क्यूब का रंग सफेद से लाल में बदल जाता है। दूसरा तरीका है डिफ्यूज के नीचे फिर से रेड बार पर बायां क्लिक करें। क्या आप कलर सर्कल यानी रंग दायरे के नीचे R, G और B नामी तीन बार्स देखते हैं? R पर बायां क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर 1 टाइप करें और एंटर दबाएं। G पर बायां क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर 0 दबाएं और एंटर दबाएं। B पर बायां क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर 0 लिखें और एंटर दबाएं। अब क्यूब का रंग मुकम्मल लाल है। इसी तरह से स्पेक्युलर के नीचे व्हाइट बार पर बायां क्लिक करें। कलर मेन्यू में से कोई भी रंग मुंतखब करें। मैं हरा मुंतखब कर रहा हूं। तो देखें, क्यूब की चमक सफेद से हल्के सब्ज में बदल गई है। अब क्या, अगर मैं फिर से सफेद मटेरियल इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं ये वापस कैसे पाऊंगा? मटेरियल आईडी नेम बार पर जाएं। यहां नेम बार के बाएं तरफ एक और स्फेयर आइकन है। स्फेयर आइकन पर बायां क्लिक करें। ये मटेरियल मेन्यू है। तमाम मटेरियल जो सीन में इस्तेमाल किए गए हैं, वो सब यहां दर्ज हैं। अभी यहां सिर्फ 2 मटेरियल जाहिर हैं, रेड और वाइट। वाइट पर बायां क्लिक करें। एक बार फिर क्यूब लाल से सफेद में तब्दील हो गया है। डिफ्यूज और स्पेक्युलर दोनों के नीचे इंटेंसिटी बार्स हैं। डिफॉल्ट तौर पर डिफ्यूज के लिए इंटेंसिटी 0.8 और स्पेक्युलर के लिए 0.5 है। ये मटेरियल फिनिश की किस्म की जरूरत के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है। मैट फिनिश का मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर दोनों के लिए कम इंटेंसिटी है। मिसाल के तौर पर कुदरती लकड़ी के मटेरियल में मैट फिनिश होगा। ग्लॉसी फिनिश का मतलब डिफ्यूज और स्पेक्युलर के लिए ज्यादा इंटेंसिटी। मसलन एक कार पेंट मटेरियल में ग्लॉसी फिनिश होगा। ब्लेंडर में डिफ्यूज के लिए लैम्बर्ट डिफॉल्ट शेडर है। लैम्बर्ट पर बायां क्लिक करें। ये डिफ्यूज शेडर मेन्यू है। यहां हम अपनी जरूरत का शेडर जैसे फ्रेसनल, मिनारेट, टून, ओरियन नायर और लैम्बर्ट मुंतखब कर सकते हैं। इंटेंसिटी की तरह मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए शेडर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर एक गिलास मटेरियल फ्रेसनल शेडर इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से ब्लेंडर में स्पेक्युलर के लिए कुकटोर डिफॉल्ट शेडर है। कुकटोर पर बायां क्लिक करें। ये स्पेक्युलर शेडर मेन्यू है। ब्लिन और फोंग सबसे ज्यादा आम शेडर्स हैं, जो कि 90% मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। हार्डनेस ऑब्जेक्ट की स्पेक्युलर या चमक की शिद्दत का तायुन करता है। हार्डनेस 50 पर बायां क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर 100 लिखें और एंटर दबाएं। प्रीव्यू स्फीयर पर स्पेक्युलर इलाका एक छोटे दायरे में सुकड़ गया है।
फिर से हार्डनेस 100 पर बायां क्लिक करें, अपने कीबोर्ड पर 10 लिखें और एंटर दबाएं। अब स्पेक्युलर इलाका बढ़ गया है और प्रीव्यू स्फीयर पर फैल गया है। तो ये मटेरियल पैनल की बुनियादी सेटिंग्स हैं। बाकी सेटिंग्स आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अब आप आगे जा सकते हैं और एक नई फाइल बना सकते हैं। क्यूब में एक नया मटेरियल शामिल करें और इसका रंग तब्दील करें और ब्लू नाम दें। ये प्रोजेक्ट MHRD हुकूमत हिंद के ICT के जरिए कौमी खानदगी मिशन की तरफ से हिमायत करता है। इस पर मजीद मालूमात इन वेबसाइटों पर दस्तियाब हैं। oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल करके वर्कशॉप्स भी चलाती हैं। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं इनको सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।